BMW हो चुकी ट्रैक रेस करा पीछे। क्योंकि भाई एक से एक नमूने सुबह यहाँ कुछ ना कुछ बेचने आते रहते हैं, अजीब वो गरीब आवाजों में। बाकी फालतू टाइम वेस्ट नहीं करते भाई, फटाफट से निकलते हैं कॉलेज, ऑलरेडी बहुत ज्यादा लेट हो चुके हैं। बूम माम चलेंगे, जय श्री राम। ये सुनो भाई तुम, कॉल स्टार्ट। भाई साहब ये आवाज सुन के जो एक्साइटमेंट होती है ना यार, अलग लेवल की। बाकी थोड़ा सा इसको कॉल स्टार्ट होने देते हैं, फिर हल्का सा एग्जॉस्ट नोट सुनाएंगे बाहर निकाल के। गरुड़ को तो बाहर निकाल चुके हैं, लेकिन भाई निकलते निकलते इतनी ज़्यादा गर्मी लग गई थी ना कि मैंने सोचा भाई निकलने से पहले एक अच्छे से अपनी स्किन को रिफ्रेश कर लेते हैं। और भाई आप लोग भी सोचते हो कि इतनी ज़्यादा धूप में ट्रैवल करते हैं, राइड करते हैं, उसके बाद भी कैसे स्किन हमेशा रिफ्रेशिंग दिखती है, ब्राइट दिखती है। तो भाई उसके लिए मैं यूज़ करता हूँ मुस्टैच का फेस वॉश। और भाई इसको यूज़ करते मेरे को लगभग 2 महीने हो चुके हैं, 2 महीने से ज़्यादा ही हो चुके हैं। 2 बॉटल्स मैंने मंगाई थी एक साथ, एक ख़त्म हो चुकी है और एक अभी भी चल रही है। बाकी भाई ये जो फेस वॉश है इसमें लिकरीज के एक्सट्रैक्ट है जो कि हेल्प करते हैं आपकी स्किन को ब्राइटन बनाने में और इंस्टेंट ग्लो देते हैं। बाकी भाई ये जो फेस वॉश है ये स्पेशली मेंस की टफ स्किन के लिए बनाया गया है, सुपर कूल है और रिफ्रेशिंग है क्योंकि इसमें मेंथॉल है और इसीलिए भाई ये मेरा फेवरेट है। बाकी इसमें सैलिसिलिक एसिड भी है जो कि हेल्प करता है भाई पिंपल्स को कम करने में और नए पिंपल्स आने से भी रोकता है। एंड भाई मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल्स नहीं यूज़ किए गए हैं। और जो इसकी फ्रेगनेंस है ना भाई, इसकी फ्रेगनेंस बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, एकदम मैनली वाइब वाली फ्रेगनेंस है। बाकी भाई ये सिर्फ मेरा ही फेवरेट नहीं है, आप लोग फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन पे चेक कर सकते हैं, 3 लाख+ रेटिंग है इसकी फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे। और भाई पता है खास बात, अभी दिवाली सेल चल रही है तो आपको ये 150 से भी कम में मिल जाएगा अगर आप ऑफर में लेंगे तो। बाकी लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर है, मेरी बात मानो और तुरंत जाके ऑर्डर कर लो ये प्रोडक्ट, 3 से 4 दिन में आपको ये डिलीवर हो जाएगा, सिर्फ मेरे दिए हुए लिंक से ऑर्डर करना। बाकी भाई इसको यूज़ करने का तरीका भी बहुत ही सिंपल है, तो एक काम करते हैं लेट हो रहे हैं कॉलेज के लिए, फटाफट से चलते हैं वॉशरूम में फेस वॉश करते हैं, साथ साथ आपको इसको यूज़ करने का तरीका भी बता दूंगा। सो गाइस फेस देख सकते हो अभी कैसा हो रखा है, अभी बिफोर एंड आफ्टर रिजल्ट्स आपको दिखाएंगे। पहले थोड़े से हाथ गीले कर लेने हैं और हल्का सा फेस गीला कर लेना है पानी से, क्योंकि फेस वॉश ले लेना है हाथ में इस तरीके से, थोड़ा सा अच्छे से पहले फोम बना लेना है हाथ में, दिखाता हूँ मैं आपको कुछ इस तरीके से, और फिर फेस पर अप्लाई कर देना है, फेस पे अच्छे से अप्लाई कर देना, और फिर अप्लाई करने के बाद बस अच्छे से पानी से वॉश कर देना है। वॉश करके आपको आफ्टर के रिजल्ट्स दिखाता हूँ कि कैसे आते हैं। तो भाई आ चुके हैं फेस वॉश करके नीचे, बाकी आप लोग अभी स्किन देख सकते हो भाई कितना ज्यादा डिफरेंस है पहले से, अभी मैं एकदम रिफ्रेशिंग फील हो रहा है। बाकी भाई इस फेस वॉश में वो सब कुछ है जो एक आदमी को चाहिए, तो एक बार जरूर ट्राई करें और अपनी स्किन में डिफरेंस देखे। और भाई जिसको भी प्रोडक्ट बाय करना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है, बाकी पिन कमेंट में भी लिंक है, तो फटाफट से जाओ प्रोडक्ट बाय करो और मेरे को बताना आप लोगों को यूज़ करके कैसा लगा। बाकी लेट हो रहे बहुत ज़्यादा तो निकलते हैं कॉलेज के लिए। लो भाई निकाल दी गरुड़ बाहर, कॉल स्टार्ट हो रही है। और भाई साहब क्या ही लग रही है भाई, अब सुनाते हैं इसकी आवाज़ तुम लोगों को, क्या बल्कि लोग आ रहे पीछे से देख रहे हो, ये लो भाई। ओ भाई ओपी, लेट्स गो। सो बॉयज एंड गर्ल्स हम लोग निकल चुके हैं घर से और भाई साहब आज हो चुके हैं हम बहुत ही ज्यादा तगड़े वाले लेट, यहीं पे बच चुके हैं भाई 9:30 की क्लास है। ओ भाई साहब कैसे पहुंचेंगे आज टाइम पे, बस आज गरुड़ का हमें हाइपर एक्टिव मोड ऑन करना पड़ेगा, पहले थोड़ा भीड़ भड़ाके वाले एरिया से निकल जाते हैं, नहीं तो यहाँ पे तो फिर पता ही है बस तुम लोगों को, देहरादून क्या हाल है। क्या बात, यहाँ पे सिग्नल लाइट नहीं चल रही आज, चलो अच्छा है तोड़नी नहीं पड़ेगी। मजाक कर रहा हूँ गाइस। गाइस फ्यूचर का ऑटो दिख चुका है हमको सामने, ये रहा फ्यूचर से आया हुआ ऑटो, ये डोरेमोन की पॉकेट से निकला है, 22nd century से लेके आया था डोरेमोन इसको।
यार फिर चलो भाई चलो आगे चलो, मूड खराब हो गया सुबह सुबह। मजाक कर रहा हूँ गाइस, जिसने भी ली होगी मेहनत से ली होगी, मजाक अपनी जगह है, मेहनत अपनी जगह है, तो कोई भी ऑफेंड मत होना अगर कोई एमजी कॉम्फर्ट ऑन करता है भाई। पर्सनली मुझे नहीं पसंद गाड़ी, लेकिन हाँ भाई जिसके जरूरत की है वो यूज करे, वो उसकी मर्जी है। लेकिन भाई ऑन अ सीरियस नोट, सबकी मेहनत की कमाई होती है, तो मॉरल इज कि मेहनत की कमाई सही जगह लगाओ जो तुम्हें पता लगे कि हाँ भाई सही जगह खर्च करें। कोई ये ना बोले फ्यूचर से आओ ऑटो 15-20 लाख खर्च करने के बाद भी। बाकी मैं लेट हो चुका हूँ आज बहुत ज़्यादा, यश भाई भी आगे निकल चुके हैं, कितना आगे हैं ये मुझे नहीं पता, एक बार कॉल कर लेता हूँ, फिलहाल गाड़ी तो दिख नहीं रही कहीं। राइडर मोड लगा चुके हैं भाई, रोड मोड पे तो ये पहुँचेगी नहीं आज टाइम पे, राइडर मोड ही लगाना पड़ेगा। ये रे भाई अपने यश भाई, लाइट्स तो सेम है पर ये यश भाई की गाड़ी लग नहीं रही। नहीं यश भाई नहीं है, वही तो मैं बोलूं भाई इसकी गाड़ी पे तो स्टिकर स्टिकर लगे हैं, वो वाले लाइट सेम है लेकिन भाई। चलो भाई एक आधे खींचे लेते हैं अब, ये रेज भाई देखो इसकी और उसकी लाइट सेम है, बट वो स्टिकर का फर्क है बस, बाकी सब सेम है, जो भी है अपनी वाली ज्यादा सेक्सी है। रोला होता ऐसा हो भाई, कॉलेज में घुस रहे दोनों भाई, एक पे स्कॉर्पियो एक पे तबाही। ओ भाई ये तो राइमिंग हो गया भाई, एक पे स्कॉर्पियो दूसरे पे तबाही। धूप देख रहे हो भाई, धूप बहुत बहुत खतरनाक धूप हो रही है, समझ नहीं आ रहा भाई, अक्टूबर स्टार्ट हो चुका है और अभी तक इतनी धूप इतनी गर्मी, हाय हाय कब होगी गर्मी कम, कब आएगा हुडी सीजन। चलो भाई फाइनली 1000 ईयर्स लेटर पहुंच चुके हैं हम लोग कॉलेज। ओ भाई कभी तो मौसम अच्छा मिल रहा है यहाँ कॉलेज आते हुए भाई। IMS की ना तुम्हें एक बार बताता हूँ, IMS में जब भी हम कॉलेज जाते थे ना, मोस्ट ऑफ द टाइम मौसम अच्छा ही रहता था, मतलब जब हम घर से निकलते थे तो धूप रहती थी, जैसे जैसे कॉलेज के नज़दीक जाते थे छाया आ जाती थी एकदम मस्त, कभी कभी रहती थी धूप, बट भाई वो है भी तो मसूरी में फिर, और ये है यहाँ पे बिल्कुल अपोजिट, एकदम ही अपोजिट भाई, IMS से बिल्कुल अपोजिट है। यहाँ से IMS अगर हम देखें ना इस कॉलेज से, तो IMS है अप्रॉक्स यहाँ से आई गेस 32 to 33 किलोमीटर्स, अगर मैं अपने घर के हिसाब से देखूँ तो मेरे घर के हिसाब से दोनों का सेम ही डिस्टेंस है, जो कि है अराउंड 13-14 किलोमीटर्स। भाई फाइनली कॉलेज। अब तो खुश होने का मन भी नहीं करता रोज रोज, इतना आ गए भाई कॉलेज, बहुत बहुत भाई, मतलब छुट्टी तो हो ही नहीं रही अपनी। सारी मुंडियां पलटा दी, बढ़िया भाई तुम सुनाओ, लेट हो गए आज हम, कितना बज रहे, टाइम पे पहुंच गए क्या, 9 बजे निकले थे हम। मैं सालो ने भी ट्रैफिक में भगा रखी गाड़ी। चल आजा क्लास आजा,
नीचे तो ये लगाने नहीं देंगे भाई, बाइक यहीं पे लगानी पड़ेगी। ऊपर पर छाया ढूंढ लेता हूँ, कहीं तो छाया मिल रहा है। कहाँ 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 बॉयस, पहुंच गए कॉलेज, पहुंच चुके हैं। भाई चारा देख रहे हो, जस्ट यहाँ गाड़ी पार्क करी, बंदा वहां तक लेने आया। कह रहा भाई साथ में जाएंगे आज तो पार्किंग में, क्यों भाई? और क्या कह रहा, साथ में जाना है पार्किंग में तो कम से कम यहाँ तक तो चलो। बाकी ठंडे होने के लिए लस्सी आ चुकी है, इसे पार्क करते हैं पहले चोटे को, उसके बाद चलते हैं क्लास में। हमारी भाई डिपर ये बात, चलो भाई लेट्स गो। आगे भी चल रहे हैं फटाफट से खाना खाने। चलो भाई तू चलता भाई, यशस्वी ओए ओए क्या लेट कर रहा है भाई खाना खाने, जल्दी चल, एक ही ब्रेक है। गाइस क्लास से निकल के आ चुके हैं खाना पीना खाने के लिए, और देख सकते हो भाई कितना हेल्दी खा रहे हैं, पनीर सैलेड खा रहे हैं हम लोग यहाँ पे। और ऐसी बनानी है भाई बॉडी ऑफ फटाफट से तगड़ी वाली, ठीक है ना? बाकी फटाफट से तो खाना से रहते हैं क्लास में, बनाएंगे आप लोगों के लिए तगड़ी सी रिएक्शन वीडियो। चलो भाई लेट्स गो, छुट्टी हो चुकी है और अब निकल रहे हैं कॉलेज से। चलो भाई ये खड़े हैं, भाई अपना कर रहे हैं वेट। चलो ब्रो चलते हैं, लेट्स गो। अरे यार 360 लगा दूँ यार। चलो भाई भाई भाई, व्हाट अ लॉन्ग डे यार, लेकिन मजेदार था भाई। अब आपके लिए बनाएंगे तगड़े तगड़े कॉलेज रिएक्शन। ओ बेटे गर्ल राइडर हमारे कॉलेज में, सीरियसली? भाई समय तक ना हालत खराब हो जाती यार कसम से। बाकी हाँ एक चीज और, चलो बाहर निकल के करते हैं बात फिर। यश भाई को आने देते हैं यार, साथ साथ चलते हैं घर। अरे हाय चलो भाई, यश भाई आते रहेंगे ट्रैफिक में, आराम से हम निकलते हैं रॉकेट बनते हुए। जगा दे दो भाई, रॉकेट बनना है।
BMW हो चुकी ड्रैग रेस। ये करा पीछे। तो भाई एक काम करते हैं, फटाफट से चलते हैं घर। बाकी आज तुम्हारा भाई एक बहुत स्पेशल चीज़ लेने जा रहा है। क्या स्पेशल चीज़ लेने जा रहा हूँ वो भाई एक काम करते हैं, घर चल के बताता हूँ। मतलब मेरे लिए चीज़ बहुत स्पेशल है और बस क्या बताऊँ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस चीज़ के लिए। बस चलते हैं यार, फटाफट से घर चलते हैं और वो स्पेशल चीज़ को लेके आते हैं। और आज है भाई पहला नवरात्रि, तो मेरी तरफ से आपको और आप सभी के परिवार को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और नवरात्रे हैं इसलिए मैंने कहा नवरात्र में लेते हैं, नवरात्रों से अच्छा दिन क्या हो सकता है एक बढ़िया सी अच्छी सी एक नई चीज़ लेने के लिए, है ना। तो फटाफट से चलते हैं वो लेके आते हैं। फिलहाल चलते हैं पहले घर, सिद्धि को उठाते हैं, सिद्धि के साथ चलते हैं। वैसे भी सिद्धि बहुत दिनों से व्लॉग में नहीं आई ना, सिद्धि से ही मिलाते हैं आप लोगों को। तो गाइस घर तो हम लोग आ चुके हैं और जैसे कि मैंने आपको कहा था कि आज भाई एक स्पेशल चीज़ लेने जा रहे हैं, तो जा रहे हैं हम लोग एक स्पेशल चीज़ लेने। स्पेशल चीज़ क्या है काम करते हैं वो रस्ते में बताते हैं। सिद्धि भी चल रही है अपने साथ और मोटो व्लॉग तो अभी नहीं कर रहा हूँ भाई, ठीक है, व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। फिलहाल अपनी बुलेट रानी लेके चलेंगे, देख सकते हो भाई बिल्कुल चमचमाती हुई खड़ी करी थी मैंने यहाँ पे, क्या चमक रही है भाई बुलेट, देख रहा हूँ पूरी चमकती हुई एकदम साफ़ सुथरी खड़ी करी हुई बुलेट, इसे निकाल रहे हैं। चलते हैं भाई, सिद्धि को पिक करते हैं और चलते हैं स्पेशल चीज़ लेने, ठीक है, लेट्स गो। और बहुत स्पेशल दिन है भाई आज, बहुत ज़्यादा। तो सिद्धि आ चुकी है और आज जा रहे हैं हम लोग एक नई चीज़ लेने। सिद्धि बताइए हम क्या लेने जा रहे हैं भाई, अले हेलमेट में ऐसे लगता हूँ, बताओ आज हम क्या लेने जा रहे हैं। बस इसने थोड़ा सा क्लू दे दिया, बाकी चीज़ हम कर जाके आगे जाके बताएंगे ना, मैं दिखा दूंगी। ओके गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं, काम हो चुके हैं और क्रॉस रोड मॉल अभी हम जा रहे हैं फ्यूचर वर्ल्ड, क्या के लिए जा रहे हैं बता दे भाई, हम जा रहे हैं देखने एप्पल वॉच लेने भाई, फाइनली सस्पेंस ब्रेक करते हैं। अब कैमरा एंगल तो चेक कर लेगी, चलो भाई चलते हैं, पहले वॉच लेते हैं उसके बाद आराम से दिखाएंगे। कुछ दो चीजें स्पेशल आ रही है तो क्या पता वो साथ में आ जाए, वन वीक बोला है वन वीक बाद मिलेगी, फिलहाल तो भाई पोपट हो चुका है, चल रहे हैं सेंट्रल मॉल कुछ खाने पीने। तो गाइस मॉल से होके तो हम लोग आ चुके हैं, बाकी भाई क्रॉस रोड मॉल गए थे वहाँ पे पता करा, फ्यूचर वर्ल्ड एक वहाँ पे और एक पैसिफिक मॉल में, दो ही फ्यूचर वर्ल्ड है भाई देहरादून में और वहीं पे मिलते हैं बस एप्पल के ऑथोराइज, मतलब वही दो सेलर्स है जो एप्पल के ऑथोराइज है और कहीं पे भी डुप्लीकेसी का खतरा हो सकता है, इसलिए भाई मैंने कहीं और से नहीं ली और पता भी नहीं करा अवेलेबल है या नहीं है। बाकी क्रॉस रोड मॉल और पैसिफिक दोनों पे अवेलेबल नहीं थी एप्पल वॉच, तो आज हो गया अपना पोपट एप्पल वॉच नहीं ले पाए, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, बट कोई बात नहीं भाई, जब जिस चीज़ का मुहूर्त होता है तभी आती है। बाकी दो चीज़ें आने वाली है बहुत तगड़ी, एक तो तुम्हें पता ही है एप्पल वॉच, ठीक है वो तो जो भी है ठीक है वो मेरा पर्सनल है, बाकी एक दूसरी चीज़ जो बहुत ज़्यादा तगड़ी है वो उसका तुम लोग वेट करो, सेकंड चैनल पे बहुत ज़्यादा क्लूज दे रखे हैं उसके, सेकंड चैनल पे वो देख लेना जाके। बाकी इस वाले ब्लॉग को एंड करते हैं यहीं पे। और हाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात भाई, जिसने भी वो प्रोडक्ट परचेज करना है मुस्टैच का फेस वॉश, तो डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट्स में लिंक है, तो फटाफट से जाओ वहाँ से परचेज कर सकते हो। बाकी हम एंड करते हैं आज की वीडियो, यहीं पे मिलते हैं बहुत जल्द एक नए ब्लॉग के साथ, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड बी सेफ, लव यू गलाम।